हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। यहां पे आपको प्रोडक्ट तो करना ही है, लेकिन ऐसे वैसे नहीं करना है। प्रोडक्ट आपको ऐसे करना है कि ताकि कोई प्रॉपर्टीज यूज हो सके। ओके, तो यहाँ पे देखो, ए में क्या दिया है, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, बीच में देखो ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन है और बीच में एडिशन की साइन है, और दोनों साइड कॉमन क्या है, -48। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है, ए इंटू बी प्लस सी। तो ए इंटू बी होता है प्लस ए इंटू सी होता है। अब देखो ये दोनों में कॉमन है, बीच में क्या है, एडिशन। देखो यहाँ पे क्या दिखता है हमको, कॉमन -48 है, बीच में एडिशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, -48 को कॉमन निकाल लेने का, और ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, ब्रैकेट होगा तो दोनों का मीनिंग ऐसा ही है कि मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ओके, अब यहाँ से क्या बचा, -48 ले लिया, 26 बचा, फिर बीच में क्या आएगा, प्लस, और यहाँ से -48 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, -36। देखो -48 इंटू 26 प्लस माइनस -36, -48 इंटू 26 प्लस माइनस -36 तो क्या होगा, 10। बड़े की साइन क्या आएगी, माइनस। अब देखो 48 इंटू 10 तो एकदम इजी है, जीरो का जीरो आ जाएगा, 48 वन सा 48, मल्टीप्लीकेशन है तो हमको साइन काउंट करनी है 1, 2, इवन नंबर में है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो ये 480 जो है वो हमारा आंसर है। अब देखो बी, बी में क्या दिया है, 8 इंटू 53 इंटू -125। अब यहाँ पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो थोड़ा सोचना है, कौन सी करेंगे यहाँ पे, एसोसिएटिव। इसमें क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी में क्या दिया है, आपको कोई भी दो नंबर के पेयर बना लेने की है। ओके, तो देखो ए इंटू बी इंटू सी, या ये के साथ बोल रहे हैं हमको कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या तो ए को बाहर रखो और बी और सी का मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी कि पेयर बना लो। ओके, कोई भी टू नंबर की पेयर बना लो और तीसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा और आपको इजी भी रहेगा। अब हमको यहाँ पे सोचना है हम कौन से दो नंबर की पेयर बनाएंगे ताकि हमको सॉल्यूशन में इजी रहे। अब देखो 8 और -125 की पेयर बनाएंगे और 53 को बाहर निकाल देंगे तो हमारा सॉल्यूशन इजी रहेगा। ओके, तो 53 को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, इंटू 8 इंटू -125। अब देखो 53 को तो हमने कॉमन निकाल लिया है, इंटू -125 इंटू 8 तो क्या आएगा आंसर, 125 इंटू 8 फाइव 40, 0, 4, 8 टू 16 प्लस 420, 0, 2, 8 वन 8 प्लस 2 यानी कि 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1000। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये 1000 जो है वो आंसर आएगा हमारा माइनस में। ओके, -1000। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करना है, अब जीरो है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी रह जाएगा, तीन के तीन जीरो तो रख ही देने का है हमको, और फिर वन बचा तो 53 वन जा 53। अब देखो, और यहाँ पे भी देखो माइनस प्लस माइनस, तो 53 जो है 53000 वो हमारा आएगा माइनस। ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चलो अब सी सोल्व करते हैं, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी हमने जो बी में यूज की वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या रह जाएगा, इजी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, कोई भी दो की पेयर बनाने की है
ताकि हमारा सोल्यूशन इजी रह जाए। तो कौन सी दो नंबर की इंटीजर की पेयर बनाएंगे तो सोल्यूशन इजी रहेगा? देखो 25 और 4 की पेयर बनाएंगे तो 10 में तो 0 है तो मल्टीप्लीकेशन इजी रहेगा। तो अब बचा 15, ओके तो 25 और 4 की पेयर बना के हम लोग देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या रह जाएगा? इजी, 15 इंटू बड़ा ब्रैकेट माइनस 25 इंटू माइनस 4 ब्रैकेट ओवर इंटू माइनस 10। अब देखो 15 इंटू 25 फोर जा 100, और आपको पता ही है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस 10। अब हमें क्या करना है? इन दोनों की पेयर बनानी है तो 15 को ऐसे ही रहने दो और 100 इंटू 10 यानी कि पहले जीरो रख दो। कितने जीरो है? 1 2 3, 1 1 जा 1। अब साइन देखते हैं, प्लस माइनस माइनस तो क्या आ गया? 1000 इज इक्वल टू 15 इंटू 1000। तो वापस यहाँ पे भी 0 0 0, 3 0 रख देंगे, 15 इंटू 1 क्या आएगा? 15 1 जा 15, प्लस माइनस माइनस तो क्या रह गया हमारा आंसर? माइनस 15000। ये है हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? कोई भी दो इंटीजर की पेयर बना लेनी है, ओके। नेक्स्ट डी, डी में क्या दिया है? माइनस 41 इंटू 102। अब इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? अब देखो 102 आपको दिया है, उसको हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब देखो माइनस 41 इंटू 100 प्लस 2, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव। उसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव में? मैंने ए में पहले वन नंबर ए में जैसे बताया वैसे ए इंटू बी प्लस सी, जैसे यहाँ पे है ये ए है और ये बी प्लस सी है ना। तो ए क्या है? माइनस 41 और बी प्लस सी क्या है? 100 प्लस 2 है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर सकते हैं ना। तो सेम हमको यहाँ पे करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। माइनस 41 इंटू 100 प्लस 2। अब क्या करना है? माइनस बड़े ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 41 इंटू 100 ब्रैकेट ओवर प्लस दूसरा ब्रैकेट में माइनस 41 इंटू 2 ब्रैकेट ओवर, ओके। अब देखो 100 है यानी कि 20 है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 20 रख देने का, 41 1 जा 41, यहाँ पे 41 प्लस माइनस माइनस प्लस 41 2 जा 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 82 प्लस माइनस 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 82, ओके। अब ब्रैकेट में से उसको बाहर निकालो, 41 100 प्लस माइनस माइनस 82। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 41 100 प्लस 82, 2 8 1 4, क्या है आंसर? 4 1 8 2, बड़े की साइन क्या आएगी? माइनस। तो हमारा फाइनल आंसर है 4182, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट ई, अब ई में देखो 625 इंटू माइनस 35 प्लस माइनस 625 इंटू 65। अब देखो बीच में प्लस है, दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन है और कॉमन है 625, तो कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। हमने जैसे ऊपर की ऐसे ए इंटू बी प्लस सी, ये कॉमन लेने का, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, देखो हम यहाँ पे दिया गया है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये कॉमन है दोनों में है ना, 625 कॉमन है, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हमको 625 जो है उसको कॉमन निकालना है, और यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? माइनस 35 प्लस
अब देखो यहाँ पे 625 तो हमने कॉमन निकाल लिया, लेकिन माइनस की साइन कॉमन नहीं निकाली है। तो अब देखो अगर ये प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो भी आंसर तो माइनस ही आएगा, क्योंकि एक माइनस की साइन है, तो ये माइनस हम 65 के साथ रख सकते हैं। ओके 625 माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 65 625 माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 65 क्या आएगा आंसर? 5 प्लस 5 10, 1 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10, तो क्या आएगा 100। बड़े की साइन क्या होगी? माइनस। आंसर क्या आएगा? माइनस 100। अब देखो 100 के साथ यानी कि 0 है तो मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाएगा। 0 का 0 पहले 2 रख देने का, 625 1 जा 625 और प्लस माइनस माइनस, तो ये है हमारा फाइनल आंसर 62,500। ओके कितना इजीली हमने सोल्व कर दिया। अब देखो एफ, एफ में क्या दिया है? 7 × 50 − 2। तो यहाँ पे भी हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। उसमें क्या होता है? ए इंटू बी प्लस सी होता है ना, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे आपको यहाँ पे माइनस दिया है, ए इंटू बी माइनस सी। तो जैसे आप इसमें क्या करते थे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो यहाँ पे क्या करने का, ए इंटू बी बीच में माइनस की साइन है तो माइनस रखने का और ए इंटू सी। ओके गॉट इट। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या करने का, 7 × 50 बीच में कौन सी साइन रखने की, माइनस की, और 7 × 2 जीरो का जीरो रख देने का, 7 × 5 = 35 माइनस 7 × 2 = 14 प्लस माइनस माइनस, 350 में से 40 कट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 336। बड़े की साइन क्या है, पॉजिटिव प्लस, तो ए है हमारा फाइनल आंसर 336। ओके नेक्स्ट जी, −17 × −29। अब देखो क्या करना है इसमें, −29 दिया है उसको हम −30 + 1 लिख सकते हैं। देखो माइनस प्लस माइनस, 30 में से 1 कट होगा तो क्या आएगा आंसर, 29 और बड़े की साइन तो −29 आ गया, −29। ओके तो −29 की जगह पे हमको क्या लिखना है, −30 + 1 और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। पता चल गया ना आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव में a इंटू बी प्लस सी हो गया ना, −30 + 1 यानी कि b प्लस सी कॉमन कौन सा है, 17। चलो −17 × −30 + 1 तो क्या करना है, अब इसको एक्सपेंड करना है, −17 × −30 + −17 × 1। अब देखो जीरो रख देते हैं और 17 × 3 = 51। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 51 और 510 क्या आएगा, प्लस में। ओके यानी कि पॉजिटिव में, और 17 × 1 = 17 माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या आएगा, माइनस में। ब्रैकेट में से बाहर निकालते हैं, 510 प्लस माइनस माइनस 17, 510 में से 17 कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 493। बड़े की साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये है हमारा फाइनल आंसर 493। अब देखते हैं h, −57 × −19 + 57। अब देखो 57 दोनों साइड कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 57 के बाद कुछ नहीं है, तो हमको 57 × −1 रखना पड़ेगा ताकि 57 होगा, इसका मीनिंग में तो कोई पता कोई डिफरेंस नहीं होगा, 57 × 1 = 57 आएगा। ओके तो हमको यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो उसमें क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में a इंटू बी प्लस सी। ओके ये को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन कौन सा निकालना है, 57।
तो 57 कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे तो कुछ होना चाहिए ना, इसीलिए 57 इंटू 1 रखने का है. ओके, माइनस 57 इंटू माइनस 19 प्लस 57 इंटू 1. ओके, अब देखो ब्रैकेट 57 को क्या करना पड़ेगा, हमको कॉमन निकालना पड़ेगा. तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे तो भी चलेगा. तो माइनस माइनस नहीं रखना है यहाँ पे, और खाली 19 रखना है. 57 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा, 1. 57 19 प्लस 1 20, तो क्या बचेगा, 0 का 0, 7 टू जा 14, 1 55 टू जा 10 प्लस 1 11. ओके, ये है हमारा फाइनल आंसर, 1140. ओके, गॉट इट.